हेलो, सत श्री अकाल जी, सारे ही दोस्तों नु आदाब नमस्ते। दोस्तों, मैं आपका दोस्त यूपी से सुखमन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग की। शाम का टाइम है 5 बजे का, तो इधर ये हमारी भैंसे है, तो चारा वगैरह डाला था, खा लिया इन्होंने। तूड़ी वगैरह है सूखी और उसमें खली मिलाकर, तो अभी इन्होंने खा ली तूड़ी वगैरह। अभी थोड़ी देर में दूध निकाल कर फिर पानी पिलाकर भैंसों को बांधेंगे बाहर। तो इस भैंस को मैं एक को चराने जा रहा हूँ। मैंने कहा थोड़ा चिर चलो चरा लेता हूँ, थोड़ा बहुत घास फूस खा लेगी, अपनी मनपसंद का खा लेगी, तो चलिए चलते हैं बाहर। तो ये यहाँ पानी पीने लग गई, प्यास लगी होगी। किथे वेहला जी आओगी? ठीक है, बात चली जो आओगी, आज टाइम है बात चली। ये थोड़ा रस्सा लंबा करके चराऊंगा इसको, तो रस्सा ले लेते हैं हम। तो ये दोस्तों हमारी सब्जी बोई हुई है। अब थोड़े मुझे लग रहा थोड़ी बहुत तोरी लगेगी और हलवा कद्दू ये लगनगे होना। तो मैंने कहा थोड़ी देर भैंस को चरा लेता हूँ। इस वाली को ये चरना बहुत पसंद करती है ना, तो तूड़ी जो सूखी होती है, तो हमने कहा चलो थोड़ा अपनी मन का खा लेगी। आधा एक घंटा चरा लेता हूँ, अब टाइम थोड़ा है, उसके बाद दूध निकालना है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा था यहाँ चरने के लिए हमारे खेत में, तो ये बाढ़ आने की वजह से सारा ख़राब हो गया चारा। आपको ना एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा, इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी लगती है, तो लास्ट तक व्लॉग जरूर देखना दोस्तों। वो हमारी गौ माता चर रही है, वो ना भाग गई उधर, अब दूध निकालने का टाइम है तो चली गई उधर। वो भी हमने छोड़ी, वो खुद चर चुर कर घर आ जाती है, नुकसान नहीं करती गन्ने का। ये गन्ने के खेत है चारों तरफ, ये देखिए कितना नुकसान कर दिया बाढ़ ने। ये पहले आ चुकी थी, जब उससे पहले सबसे पहले पानी आया था तो ख़राब कर दिया गन्ना, तब छोटा था ये। तो मैंने भैंस का लंबा रस्सा कर लिया है, अब आराम से यहाँ खड़ा होकर चारता रहूँगा इसको। तो इतनी गर्मी है ना आज यार, हदों वाद गर्मी है, पता नहीं गर्मी हटंदा ना ही नहीं लै रही, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो मैं ना इधर तुहानू एक चीज़ दिखाउणी है, आ खल्ला है, इधर पानी वगैरह रुक जाता है, साडा कच्चा राह ख़राब हो जाता है। तो आ देखो जी, बहुत ही प्यारी चीज़, आ खागर फूस है। हाँ देखो, इन्हां दे जिहड़े फुल जे ना चिट्टे चिट्टे, बड़े प्यारे लगते हैं। देखो दोस्तों, ये ना बहुत प्यारे लगते हैं मुझे, मतलब। तो शाम का माहौल गांव का बहुत अच्छा लगता है, अब थोड़ा राहत मिली है गर्मी से, बहुत गर्मी थी आज। ये देखो रू रू जैसा होता है, उड़ता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसके काफ़ी सारे फूल है इधर, मैं बता देता हूँ आपको, बहुत अच्छे लगते हैं। आ देखो दोस्तों, आ फूस है, ये भी फुल जे निकले इदा दे, ते आ जी खागर है, आ देखो सारे रावां ते तुहानूं देखण नूं मिल सकते ने, बहुत ज़्यादा है। ते इन्हां दे कई लोग बहुत चीज़ां बना लैंदे, जिवें इन्हां दे झाड़ू बनदे, बौकर झाड़ू फेरन वाला, जिवें फर्श फुरश वगैरह ते काफ़ी कई लोग मैं देखे ना वढ के लै जाते, लम्मे लम्मे तोड़ के, तो फिर इन्हां दे झाड़ू बना लेंगे। आ देखो चिड़िया उड़ रही, बहुत सोहना व्यू लग रहा, मझ नूं मैं छड़ता है, लम्मा रस्सा फड़ लूँगा फिर। तो इधर तुहानूं थोड़ा जिहा व्यू दिखा दिंदे, आ देखो सब पानी पानी पानी, अजे सुक्या नहीं पानी, ये खल्ला जिहा पै जांदा ना इत्थे पानी रुक जांदा काफ़ी। ये सियालां च सही होगा हुण, रुक जदों बरसातां हटणगियां। ते आ इत्थे ना फुल जे उगे आ दूसरे कमल दे फुल, चिट्टे चिट्टे छोटे वाले, ते मझ हुण इधर आ गई है, मझ नूं टका नहीं हैगा नखरे करन दी, रज्जी पई है हुण तूड़ी खा के। ते आ देखो दोस्तों सफेदे दे तुहानूं लम्मे लम्मे पेड़ दिखाना, आ कां बैठा कां कां करन दिया है। इत्थे ना साडे पिंड च हर तरह दीआं चिड़ियां, मतलब छोटियां वड्डियां, मैं चह चह आंदियां रहिंदियां है इस टाइम भी, सवेरे भी बहुत वधिया लगता जो कि आ बहुत ज़्यादा लम्मे पेड़ है सफेदे दे, नाल एक एक अंब का पेड़ है,
ਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਆਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਹੈ ਸਫੈਦੇ ਦੇ ਪੇੜ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਅੰਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਮਨੂ ਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਨਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਸਭੀ ਪੇੜ ਹੀ ਆਮ ਕੇ ਹੈ ਦੋ ਵੋ ਜਾਮੁਨ ਕੇ ਤੋ ਇੱਧਰ ਸਫੈਦੇ ਕੇ ਸਫੈਦਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੀ ਮੇਂ ਵੀ ਸਫੈਦੇ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਂ ਤਾਂ ਸਫੈਦਾ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇੜ ਹੈ ਤੋ ਯਹਾਂ ਹਮਨੇ ਚਾਰਾ ਬੋਇਆ ਥਾ ਜਾਨਵਰੋਂ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਬ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਥਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋ ਸਭ ਹੀ ਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੋ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘਾਸ ਹੁਆ ਥਾ ਚਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਰਾਮ ਸੇ ਭੈਂਸੀ ਰੱਜ ਜਾਤੀ ਥੀ ਹਮਾਰੀ ਤੋ ਫਿਰ ਯੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯੇ ਦੇਖੋ ਅਬ ਚਰਨੇ ਲੱਗੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਚਰਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਘਰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚਰ ਲਿਆ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੱਠੇ ਵੀ ਖਾਧੇ ਇਹਨੇ ਤੂੜੀ ਵੀ ਖਾਧੀ ਔਲਰੇਡੀ ਰੱਜੀ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਚਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਡਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਨਣੇ ਲੰਗਰ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਹਾ ਧੋ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ੍ਰੀ ਓਕੇ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਅਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਦੋਸਤੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਵਲੋਗ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦ ਨੇ ਹੁਣ ਮੱਝ ਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਭੰਬੀਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਭੰਬੀਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ